हेलो एवरीवन, क्या कर रहे हो? ड्राफ्टिंग पढ़ रहे हो? वाह, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, हम भी आज क्या पढ़ने वाले हैं, ड्राफ्टिंग में ही आपका जो चैप्टर है प्लीडिंग्स, उसका एक छोटा सा पोर्शन जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आज हम लोग उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसी को क्या करने वाले हैं, उसका रिविजन करने वाले हैं। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि पहले आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, फिर ही आप ये सेकेंड देखेंगे। वरना तो क्या है, जैसे अगर मूवी का बिगनिंग नहीं देखा है तो इंटरवल और क्लाइमेक्स तो समझ नहीं आता है ना। इन द सेम वे, पहले का नहीं पढ़ा है तो फिर बात का कैसे समझ में आएगा? बेस तो क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है, वरना जैसे मूवी में एक दूसरे से पूछते रहते, बता ना क्या हुआ था, इसके पहले क्या हुआ था, ये इसका कौन है, ऐसे यहाँ पर भी पूछते मिलोगे। ठीक है, इसीलिए पहले फर्स्ट वाला पढ़ लेना, मैं आपको उसका एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। ठीक है, हमने उसमें एक्चुअली पढ़ लिया था कि प्लीडिंग्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लीडिंग, दैट इज प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट। डिपेंडेंट एंड बोले प्लेंटिव जो है वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, उसमें वो लिख के बताते हैं कि उन्हें क्या मुश्किलें हैं, क्या उनके एलिगेशंस हैं। फिर आया था बोले क्या रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ डिफेंडेंट फाइल करता है, बोले नहीं वो प्लेंटिव भी फाइल कर सकता है। बोले प्लेंटिव जो फाइल करता है उसे बट रिजॉइंडर भी कहा जाता है, एप्लीकेशन भी कहा जाता है। देन आपका आया था क्या कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं प्लीडिंग के, तो बोले ओ सामने वाला एकदम सरप्राइज नहीं हो जाए दोनों में से पार्टीज, लाइक ये कब हो गया था। इसीलिए बोले ऑब्जेक्ट है कि पहले राइटिंग में एक दूसरे को बता दिया जाए कि क्या अभी केस जो है वो कोर्ट में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद आया था कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग्स जो है वो क्या क्या होते हैं, हमने डिटेल में एक एक देख लिया था। जैसे पहला क्या था आपका, क्या आपको कोर्ट को फैक्ट बताना है, लॉ नहीं बताना है, ज्यादा अपने वहाँ इंटेलिजेंस का प्रदर्शन नहीं करना है। सेकेंड क्या कह रही है, आपको फैक्ट्स बताना है बट मटेरियल फैक्ट्स बताना है। थर्ड का था आपको वो फैक्ट्स नहीं बताने हैं जो कि क्या कह रहे हैं, एविडेंस भी होते हैं। एंड फोर्थ क्या कहते हैं कि आपको जो भी आप बताओगे वहां पर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बताओगे। ठीक है, अनक्वेश्चनेबल चीजें बताओगे। अब आज हम आगे का क्या करने वाले हैं, रिवीजन देने वाले हैं। सो आर यू रेडी? वेरी गुड, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप अपना मॉड्यूल जो है वो ओपन करके ही बैठे हो, वरना तो क्या मतलब है। हाँ, तो प्लीज मॉड्यूल ओपन कीजिए। आईवेज हेडिंग पर प्लीडिंग्स के अंदर दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स यू हैव टू कैप्ट इन माइंड व्हाइल यू ड्राफ्ट द प्लीडिंग। ठीक है, ओपन किया, वेरी गुड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्या बोल रहे हैं, क्या बताना है, बोले नेम ऑफ द पर्सन एंड प्लेसेस, जो भी आप उसमें बताए जाते हैं एकदम एक्यूरेटली और करेक्ट बताओगे, सेम टू सेम बताओगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मैथ्री है, तो मैं क्या लिखती हूँ, MAITRI। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या लिखते हैं, MAITRY। अगर आपने MAITRI लिखा है शुरुआत से तो एंड तक वही स्पेलिंग जो है सेम स्पेलिंग आप लिखोगे। ठीक है, सेकंड क्या कहते हैं, आपको फैक्ट्स जो है वो एक्टिव में लिखना चाहिए रादर देन पैसिव। पैसिव मतलब एक उल्टा फॉर्म हो जाता है। एंड नॉमिनेटिव्स जो होते हैं जहाँ पर नाउन एंड प्रोनाउंस जो है वो सब्जेक्टिव हो जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। थर्ड कह रहे हैं बोले बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए आप लोग, पूरा पूरा सर्कमस्टांसेस मत बताइए, पैराफ्रेजेस पूरा विवरण मत दीजिए, शॉर्ट में बता दीजिए। देन क्या कह रहे हैं, ऐसे वर्ड्स ना तो कोर्ट में अच्छे लगते हैं ना तो कभी रियल लाइफ में अच्छे लगते हैं, दैट इफ ऐसा हो जाता तो सो एंड सो, नहीं ये वर्ड्स क्या होते हैं कभी सर्टेनिटी नहीं देते, अनसर्टेन लगते हैं। और हम तो जो कहते हैं, हम तो कॉन्फिडेंट होके जो कहते हैं सत्य कहते हैं, हमें तो ऐसे वर्ड्स आते ही नहीं यूज करते। ठीक है, तो ऐसे वाले वर्ड्स नहीं यूज करना, इफ दैट। ठीक है, देन क्या कह रहे हैं, प्रोनाउंस जहां तक हो सके अवॉइड करो। जैसे कि एग्जाम्पल अगर दो एक्ट्रेस उनके बीच में केस चल रहा है, वन इज ऐश्वर्या एंड वन इज कटरीना, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर अगर आप शी शी यूज करते हो तो कोर्ट किसको कंसिडर करेगा, किसके लिए आपने रेफर किया है। तो इससे तो आप या तो नाम लिख दीजिए या फिर आप प्लेंटिफ या डिफेंडेंट लिख दीजिए। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट क्या कहा गया है, आइए एफ पॉइंट है वो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट वाले ही है। नेक्स्ट आपको बताया गया है जो भी चीजों का नाम आप बताओगे वो एकदम प्रॉपरली डिस्क्राइब करो, जैसे कि पर्सन का कर रहे थे। नेक्स्ट कहा है कि बोले जब भी अगर कोई लॉ मेंशन कर रहे हो प्लीडिंग में तो एग्जैक्ट वर्ड जो है वो ही लिखिए, कट शॉर्ट नहीं कीजिए। लॉ जो है वो तो क्या करना है, आपको स्टैट्यूट लाइक एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। देन इफ एंड बट वाला है, मैंने कहा था ऐसे वर्ड्स नहीं लिखना है। नेक्स्ट है अगर कोई आपको कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन किसी ऐसी चीज के बारे में बताना है जो बहुत ही डिस्क्राइब करना पड़ेगी, जैसे कि प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो ऐसा लिख दो कि हम लोग शेड्यूल में बताएंगे, वो शेड्यूल में बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बोले प्लीडिंग्स जो होती है वो हमेशा पैराग्राफ में लिखना चाहिए,
एक सब्जेक्ट जो होता है वो एक पॉइंट के अंदर लिखी है। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ होता कैसा है। प्लेंट बनाया जाता है, प्लेंटिव जो फाइल करता है वो एक पॉइंट, एक सब्जेक्ट को एक पॉइंट में लिखता है, उससे रिलेटेड जो है वो सब पॉइंट में लिख देगा, ठीक है। सामने जो डिफेंडेंट को आंसर देना रहता है तो वो एक पॉइंट का एक जवाब देता है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। अच्छा, अब बोलने वाली बात तो ये है, हमने कहा एक सब्जेक्ट एक पैरा में ही लिखना है, तो इसका मतलब क्या, पहले तो हमने स्टार्टिंग में बिगनिंग लिख दिया, फिर मैंने क्लाइमेक्स लिख दिया, और फिर अब इंटरवल का सीन चल रहा है, तो कुछ समझ में आना है क्या? नहीं, मतलब सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकली लिखना है, वो एक कनेक्टिविटी हो उनके बीच में, इस तरह से लिखना है, ठीक है, कनेक्टिविटी होना चाहिए, भले आप एक पॉइंट पे एक ही सब्जेक्ट लिखे तो भी। लास्ट में क्या होता है, बोले प्लीडिंग जो है उसे साइन किया जाता है, या तो पार्टी खुद करती है, या फिर अगर पार्टी अवेलेबल नहीं है तो किसी ऑथोराइज कर देगी, किसी पर्सन को वो साइन करेगा, तो क्या करें, जनरल अथॉरिटी दी थी हमने तो उससे साइन कर देगा, चलेगा क्या? नहीं चलता है, बोलो आपने तो पढ़ रखा है ना, फिर तो जनरल अथॉरिटी से नहीं चलता है, स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है कि मैं इसको ये प्लीडिंग साइन करने के लिए ऑथोराइज कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? तो कि कल को बाद में जो है जो भी पर्सन प्लीडिंग फाइल कर रहा है वो ये नहीं कहे मैं तो चाहता ही नहीं था ना ये प्रोसीडिंग हो, मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है, अथॉरिटी जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो साइन करे, उसका प्लीडर साइन करे अगर उस समय मौजूद अवेलेबल है तो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वेरिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन कौन करता है, बोले जिसने केस किया वही वेरीफाई करेगा उन पॉइंट्स को, है ना। अगर बोले एक से ज्यादा लोग हैं, जैसे प्लेन जिसने फाइल किया वो दो लोग मिलके कर रहे हैं, तो दोनों में से कोई भी एक कर दे, या फिर बोले कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट एग्री करेगा, क्या कि इससे तो है ना क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स का नॉलेज है, जो कि पर्सन अवेयर है फैक्ट्स के बारे में, तो वो क्या करेगा, वो वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। वेरिफिकेशन को हल्के में नहीं लीजिएगा, आप गलत वेरिफिकेशन देते हैं तो आईपीसी में आपको पनिशमेंट में मिल सकती है। एंड सेकंड चीज, वेरिफिकेशन क्यों करवाते हैं, पर्सन क्या बता देता है, बोले प्लीडिंग के अंदर ये जो पॉइंट है मेरे को पर्सनली पता था कि ये सत्य है, ये ट्रू है, ये इतने इतने पॉइंट्स जो है, बोले ये हमें कहीं और से किसी ने हमको कान में बोला है आके, ठीक है, तो बता दो कि ये हमको वहां से पता चले, और बोले ये जो पॉइंट है मैं मानता हूँ, मैं उस पर भरोसा करता हूँ कि ये पॉइंट जो है, बोले हम क्या कह रहे हैं, हम मानते हैं कि ये हमें पता, हम बिलीव करते हैं, वी बिलीव देम इट टू बी ट्रू, ठीक है। वेरिफिकेशन का मेन कारण यही है, कोर्ट जो है वो इतनी फालतू नहीं बैठी हुई है, उनका वक्त जाया नहीं करना है, तो कोई पर्सन तो होना चाहिए उन बातों का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ठीक है, इसीलिए किया जाता है वेरिफिकेशन। लॉजिक्स के साथ आप पढ़िए तो आपको याद रहेगा, आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, फाइन। हेलो, आप इधर ही हो ना, इधर ही रहो, अभी तो स्टार्टिंग किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको एक छोटा सा पोर्शन दिया है, क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स, ऐसे ही बता दिए कि सिविल कोर्ट जो है उनका कैसे लाइक स्टेप बाय स्टेप कैसी चलती है, तो बोले डिस्ट्रिक्ट में जो होता है, बोले कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो सबसे बड़ी होती है वो फॉलो की जाती है, बोले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस से, उसके बाद बोले लोअर कोर्ट जो सिविल कोर्ट होती है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक को बांट दिया जाता है बोले टेरिटोरियल लिमिट्स पे, एंड एक को बांट दिया जाता है प्यूसिनरी लिमिट्स पे, फाइन। टेरिटोरियल मतलब तो क्या, क्षेत्रफल जुरिसडिक्शन के हिसाब से हो गया, और बोले जो प्यूसिनरी है, प्यूसिनरी मतलब क्या होता है, मनी से रिलेटेड, उनको बोले दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड एक सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है। एंड सबसे छोटी सी जो होती है स्मॉल कॉजेस कोर्ट, जब भी आपको सिविल केसेस करने रहते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी कंप्यूटराइज फाइल सेंटर है फॉर सिविल कोर्ट, सिविल केसेस फाइल करने का, वहां जाके बोले क्या होते हैं, सिविल केसेस फाइल किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ के ये खत्म होता है। अब हम देखने वाले हैं क्या, अब हम देखने वाले हैं कि प्लेंट के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लेंट में क्या बातें लिखी जाती है, वैसे तो हमें पता है एलिगेशन लिखी जाती है, बट और क्या लिखा जाता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहली बात क्या कह रहे, बोले कोर्ट का नाम बताओ, कहाँ फाइल कर रहे हो, ठीक है, नेम ऑफ द कोर्ट। सेकंड, नेम डिस्क्रिप्शन रेसिडेंस ऑफ द प्लेंटिव, जो फाइल कर रहा है वो तो बता दो कि कौन फाइल करना है। सेकंड, डिफेंडेंट किसके अगेंस्ट फाइल किया, पता तो चले कि किसने गुनाह किया है, ठीक है। देन बोले प्लेंटिव या डिफेंडेंट अगर दोनों में से कोई भी माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, I'm sorry, तो इसके बारे में आप बताइए,
ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आप ये बताइए कि कोर्ट जो है उसको जुरिसडिक्शन इसका फैक्ट दीजिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा जब सुशांत सिंह राजपूत का केस जो स्टार्ट हुआ था, आई डोंट नो कोई तो पर्सन थे, उन्होंने बिहार के कोर्ट में क्या किया था, केस फाइल किया था अगेंस्ट सम ऑफ द डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स। उस कोर्ट ने यही कह के वो केस जो था वो डिसमिस कर दिया था कि द केस वॉज नॉट इन देयर जुरिसडिक्शन। ठीक है, वो उनके जुरिसडिक्शन में ही नहीं था, तो ऐसे नहीं करने का है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्लेंटिव जो है वो खुद से अलाउ करता है कुछ सेट ऑफ का अमाउंट, कि मैं डिपेंडेंट से इतना अमाउंट और सेट ऑफ का मैं खुद ही अलाउ करता हूँ, मुझे पता है, तो वो इतना अमाउंट बता दे। एंड लास्ट में आजकल तो ऐसा है कि भाई कोई भी काम पैसे बिना तो हो नहीं रहा है, तो कोर्ट क्यों आपका काम जो है वो बिना पैसे में करेगी? कोर्ट को बताओ इतना वैल्यू हुआ है हमारे सब्जेक्ट मैटर के केस का और हमने वो फीस जो है कोर्ट फीस जो है वो पे कर दिया। ठीक है, आपको ये पहले ही बताना पड़ेगा कोर्ट को। नेक्स्ट आपको बताया गया है, बोले अगर मनी से रिलेटेड केस होता है तो आप बता दीजिए कि हम इतने अमाउंट का क्या कर रहे हैं, हम इतने अमाउंट का इस पे बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, सूट फाइल कर रहे हैं, बट हमें तो पता ही नहीं है, हम तो असर्टेन, हम नहीं कर पा रहे वैल्यू डिटरमाइन। क्यों नहीं कर पा रहे, कब नहीं कर पा रहे? मैं बताती हूँ, कई बार क्या होता है ऐसा कोई डेट है जो हम वैल्यूएबल उसका वैल्यूएशन नहीं निकाल पा रहे कि अभी हम कितना बोले। ठीक है, या फिर आप कई बार जैसे मेंसी प्रॉफिट होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कई बार क्या होता है जैसे किसी का जमीन है, ठीक है, अब उसने बाउंड्री वॉल नहीं खिंचाई है, जैसे सपोज करो कई बार तो खिंचाई भी होती है ना, तो क्या होता है बाजू की जमीन वाला उस पर कब्जा करता है। कई बार ये होता है कि नेशनल हाईवे पे तो उस पर किसी ने गुमटी डाल लिया है, अपना ढाबा खोल लिया है। ठीक है, अब जिसकी जमीन है वो तो उस पर केस करना चाहता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा ना कितनी वैल्यू का करें, तो ऐसे केसेस बोले जहां पर क्या कह रहे हैं वैल्यू जो है वो सर्टेन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कोर्ट ने बोला आप एक अप्रोक्स अमाउंट बता दीजिए कि मैं इतने अमाउंट का क्या करता हूँ, सूट फाइल करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है, अगर बोले जब भी इमोवेबल प्रॉपर्टीज की बात आती है, अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो एग्जैक्ट बोले बताइएगा कौन सा इमोवेबल प्रॉपर्टी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कितने हेक्टर, एकदम करेक्ट प्रॉपर मेजरमेंट, ताकि पता चल जाए कि यही है वो जमीन। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा है कि अगर बोले रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप प्लेंटिफ हैं, कंपनी खुद केस कर सकती है क्या? नहीं कर सकती, कंपनी थोड़ी ना वहाँ चल के आनी है, कोई रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के बिहाफ पे अपॉइंट होता है वो बताता है कि मेरा ऐसा ऐसा इंटरेस्ट है इस केस में, और बोले जो भी फॉर्मेलिटीज थी ना मुझे एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाने की कंपनी के द्वारा, वो हमने सारी जो है वो पूरी कर ली है। ठीक है, एम आई क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल, एक फॉर्मेट दिया गया हुआ है आपके प्लेंट का, देखिए ऊपर क्या लिखा है, कोर्ट का नाम लिखा है, लाइक इन द जुडिकेचर ऑफ हाई कोर्ट। बोले ऊपर एक छोटी सी जगह छोड़ दी जाती है जब कोर्ट फी का स्टैम्प आता है, फीस ही सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। देन क्या कह रहे हैं, सूट नंबर बताएंगे, कौन से साल का ये बताएंगे, फिर पार्टीज को डिस्क्राइब किया जाएगा, फिर आपका सूट का लाइक वो क्या था टाइटल, एक डिफेमेशन के लिए है, मनी के लिए है, वो बताया जाएगा। देन क्या बताया जाता है, देन एक्चुअली आपका आता है बॉडी ऑफ द पेंट, बट यहाँ पर आपको क्या किया है, आपको बताया गया है कि पार्टीज को कैसे डिस्क्राइब किया आपके मॉड्यूल में, जैसे कि बोले कंपनी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म को, माइनर को कैसे, माइनर को कैसे बोले जैसे माइनर के लिए गार्जियन अपॉइंट किया, तो अब बताओ कि कौन से एक्ट में हुआ है, कौन से सेक्शन नंबर में हुआ है, कौन से कोर्ट ने किया है। ठीक है, ऐसे आपको ये सब फर्स्ट चैप्टर में भी आपके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, बट यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, पूरी बॉडी ऑफ द प्लेंट, हाँ प्लेंट का शरीर क्या लिखेंगे उसके अंदर, देखते अभी तक तो ऐसी नाखून बाल ये सब देख लेते हैं ना। ठीक है, सो बॉडी ऑफ द प्लेंट बोले क्या कह रहे हैं, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है फॉर्मल पोर्शन, एक होता है सब्सटेंटिव पोर्शन। फॉर्मल पोर्शन में क्या, फॉर्मेलिटी वाला, बोले जुरिसडिक्शन में है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल किया गया है, आपका फीस भी दे दिया, ये सब फॉर्मल है। सब्सटेंटिव मतलब इम्पॉर्टेंट चीज है, बोले एलिगेशंस बताएंगे हम क्यों एक्चुअली आपके पास आए हैं मदद के लिए, एलिगेशंस के बारे में बताया जाता है सब्सटेंटिव पोर्शन के अंदर। ठीक है, अब आपने इल्जाम लगा लिए हैं, इल्जाम लगाने के बाद क्या करोगे, साइन करोगे कि हाँ मैंने ही इल्जाम लगाया है, साइन करोगे, वेरीफाई करवाओगे या तो करोगे। ठीक है, एंड लास्ट में क्या होता है, बोले कोर्ट में दो चीजें याद रखना, जब भी कोई प्लीडिंग्स फाइल होता है तो कभी भी वो डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो विदाउट एफिडेविट फाइल नहीं होता है, शपथ पत्र जो होती है वो उसके साथ में जाती है। सेकेंड चीज होती है, अगर बोले कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिनके ऊपर रिलाय करके आपने केस फाइल किया, मतलब प्लेंटिफ ने केस फाइल किया है, वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है वो बताना पड़ता है, लिस्ट भी देना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के साथ में, डॉक्यूमेंट तो आप दोगे
आपने वो मूवी देखा होगा जॉली एलएलबी 2, उसमें जो अक्षय कुमार के लिए सामने वाली जो पार्टी थी, एक सीन था उसमें कि जो पंडित रहता था ना, जो फ्रॉड था, एक बार ऐसा हुआ था सीन में कि उसके डॉक्यूमेंट्स आए थे, पैन, आधार और समथिंग, तो जो लॉयर थे ना वो टकलू वाले अंकल, तो उन्होंने पहले क्या किया था, उन्होंने पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखा था कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा, और फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे थे, पैन वगैरह, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी क्या कह रही है, देना जरूरी होता है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। नाउ ठीक है, ये होता है प्लेन, समझ में आया, इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, लिख के जरूर देखिएगा एक बार घर पे, ठीक है। नाउ सामने वाले ने एलिगेशन लगाया, तो इधर वाले डिपेंडेंट को भी तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए ना, एक ही पार्टी को तो नहीं सुनेंगे, अपॉर्चुनिटी तो देना ही पड़ेगा, तो इसको भी बोला है आप भी अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फाइल कीजिए। तो जब डिफेंडेंट को समन आता है, साथ में उसको प्लेंट का कॉपी भी आता है, ठीक है, उससे बोलते हैं आप इसके अगेंस्ट में क्या कीजिए, अपने रिप्लाई दीजिए, या तो आप एक्सेप्ट कीजिए, मतलब या तो वो एक्सेप्ट करेगा डिफेंडेंट, या तो वो क्या करेगा, डिनाई करेगा एलिगेशंस को या अवर्मेंट्स को, ठीक है। अवर्मेंट्स वो होते हैं जहाँ पर कहते हैं कि मतलब प्लेंटिफ ने बता दिया है कि यहाँ मेरे पास एविडेंसेस है, मैं इन मैटर्स को सब्सटेंशियल कर सकता हूँ, ठीक है, तो या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या डिनाई कीजिए रिटर्न स्टेटमेंट में। अब क्या कह रहे हैं, हम मैंने अभी आपको कहा था, क्या कहा था कि प्लेंटिव का एक पॉइंट जो है प्लेंट का, उसके अगेंस्ट एक पॉइंट जाएगा इधर से डिफेंस का, हर पॉइंट का आपको जवाब देना है। अब सपोज करो बोले प्लेंटिव के प्लेंट में कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि पूरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं गई है, हम उसके बिना पे अपना रिटर्न स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं, तो हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे, बोलेंगे आप प्लीज प्लेंटिव को, प्लीज क्या मतलब, आप प्लेंटिव को बोलिए इन्फॉर्मेशन दे, तो ही हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है बोले प्लेंटिव ने अगर प्लेट में कोई ऐसा पॉइंट लिख दिया है जो आपको लगता है बहुत ही स्टूपिड सा है, जो आपको लगता है कि लाइक एम्बैरसिंग है, स्कैंडेलियस है, मुझे उसका रिवर्क नहीं करना है, तो हम कोर्ट क्या बोलेंगे, आप ये पॉइंट निकाल दीजिए, हम इसका जवाब नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोर्ट को क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एक्चुअली। देन बोले जो रिटर्न स्टेटमेंट जाता है, अब देखिए कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है ना कि डिपेंडेंट जो हो वो इससे ज्यादा हो, बट अगर ऐसा है कि जितने भी डिपेंडेंट है सबका डिफेंस एक ही है, एक एक शब्द उनके डिफेंस का अगर सेम होता है तो क्या कह रहे हैं, तो उनका सेम ही रिटर्न स्टेटमेंट चला जाएगा, बट अगर उनका डिफेंस अलग अलग होता है तो डिपेंडेंट को क्या कह रहे हैं, अलग अलग रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो फाइल करने पड़ते हैं, ठीक है, एम आई क्लियर। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अलग अलग रिटर्न स्टेटमेंट तो फाइल कर लो आप, बट अगर ऐसा है कि आपके डिफेंस जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, आपस में उलझे पड़े हुए हैं, तो याद रखना कि फिर आपका प्लीडर, आपका लॉयर एक नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की बात है ना, देखो दो डिफेंडेंट है, दोनों के डिफेंस ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो वो एक ही पर्सन को कैसे बोल सकते हैं कि तू हमारे बिहाफ पे लड़, वो किसकी बात बोलेगा, ठीक है ना, तो उनके फिर सेम लॉयर भी नहीं हो सकते हैं, याद रखना, जहां भी डिफेंडेंट के डिफेंस जो है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो उनका सेम प्लीडर नहीं हो सकता, ठीक है। ऑब्वियसली नेक्स्ट आपको बताया गया कि फॉर्मल पोर्शन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट में क्या आता है, तो बोले सिंपल जैसा प्लेंट में आता था, कोर्ट का नाम, कोर्ट का नंबर वगैरह, सूट नंबर वगैरह, फिर वही डिफेंडेंट नंबर वन, डिफेंडेंट नंबर टू, या फिर अगर साथ में दे रहे हैं तो एक का नाम लिखेंगे एंड फोर अदर्स, ऐसे कर देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट में रिलीफ नहीं मांगी जाती है, प्लेंट में मांगी जाती है, रिटर्न स्टेटमेंट में नहीं मांगते हो रिलीफ, बट अगर आपने क्या किया है, आपने काउंटर क्लेम किया है, या आपने सेट ऑफ किया है, ने सेट ऑफ के लिए बोला है, आपने काउंटर क्लेम किया है, तो आप कोर्ट को बोल सकते हो कि हमें ये रिलीफ जो है वो आप क्या कीजिए, दीजिए, ये रिलीफ प्रदान कीजिए, ठीक है, वहां आप एक बार बोल सकते हो। नेक्स्ट आपको बताया गया, अभी रिटर्न स्टेटमेंट की भी बॉडी आ गई, प्लेन का शरीर आया था, इसका भी शरीर आ गया, इसका शरीर क्या है, वहां पर इल्जाम थे, यहाँ पर डिफेंस है, मैं अपना बचाव करेंगे डिफेंडेंट, ठीक है। डिफेंस जो है वो तरह 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 के हो सकते हैं, ठीक है, हम गलती करते हैं, तरह 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 के भाई होते हैं हमारे पास में, ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ डिफेंडेंट ने गलती किया, बट जनरली नो, तो ठीक है, डिफेंस जो है वो तरह तरह के हम लोग एक एक करके फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखिए पहला क्या, आपका ट्रावर्स कंप्लीट डिनायल कर दिया, हमें नहीं पता, सामने वाले ने बोला मम्मी एग्जाम्पल के लिए बैठे हो मोबाइल में टाइम पास कर रहे हो, ठीक है, मम्मी आए मोबाइल चला रहा था, टाइम पास कर रहा था, नहीं, एकदम कंप्लीट डिनायल, मैं तो पढ़ रहा था, क्या कह रहे हो आप, मैं तो पढ़ने का देख रहा था। अब अगर मम्मी को प्रूफ करना है तो मम्मी ही साबित करें, हमें नहीं पता मम्मी क्या कह रही है, ठीक है, अब हमारे छोटे भाई बहन काम में लग जाएंगे,
वो हमारी चुगली करने वाले हैं, है ना, बट हमने तो कंप्लीट डिनायल कर दिया है। तो जहां आप कंप्लीट मना कर देते हो कि हमें नहीं पता सामने वाला क्या है, किस बारे में रहा है, दैट इज ट्रावर्स, ठीक है। सेकेंड तरह का डिफेंस आपका होता है कन्फेशन एंड अवॉइडेंस। इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट ये तो बोलता है कि ये जो फैक्ट्स बता रहा है ना वो तो मैं मान रहा हूँ कि वो सही है, बट ये जो इसका इफेक्ट बता रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है, बोले बोले कुछ भी बत्ती दे रहा है, बोले ऐसे नहीं हुआ था, बोले हमारा हम ये कह रहे हैं ना कि हम दोनों की गाड़ी टकराई थी, बोले वो तो टकराई थी, बट ये जो कह रहा है ना कि मैंने उसका बम्पर पीछे का हेडलाइट फोड़ दिया, बम्पर वगैरह खराब हो गया, मेरे से टूट गया, बोले ऐसे कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहा है। तो मतलब आपने फैक्ट तो माना कि एक्सीडेंट हुआ था आप दोनों की गाड़ी का, बट आप ये जो उसने कहा है कि हमारा बम्पर फूट गया उसकी गाड़ी से, वो नहीं हुआ है, बोले ऐसे कोई डैमेजेस नहीं हुए हैं, इफेक्ट नहीं माना। थर्ड क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन इन पॉइंट ऑफ लॉ, एंड याद रखना कि ये तो होता ही इसलिए है ताकि कोर्ट का प्रोसीडिंग क्या कर सके, हम लोग डिले कर सके, हम लोग डिफेंडेंट जो है वो डिले कर सके। जैसे वो क्या कहेगा, बोले लॉ के पॉइंट में ऑब्जेक्शन लेगा, बोले कॉज ऑफ एक्शन तो है ही नहीं, इसने कैसे कर दिया, मिसजॉइंटर कर रहा है बोले पार्टीज का, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जहाँ लॉ के पॉइंट में ऑब्जेक्शन है वो भी आप डिफेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रही, बोले जब मेरिट्स के बेसिस पे ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, जैसे कि क्या, बोले इसने कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं पे की है, बोले इसको ज्यूरिसडिक्शन नहीं है इस कोर्ट को, लिमिटेशन पीरियड के बोले बाद में फाइल किया है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बोले डिलेटरी प्लीज, ठीक है। प्ली एक्चुअली क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट को प्ली भी कहा जाता है, ठीक है। उफ, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट आपका है प्रियम्प्टरी प्लीज, ठीक है। देखिए प्रियम्प्टरी प्लीज मतलब क्या, इसमें हम कोर्ट को कहते हैं पहले आप खुद डिटेल में जाके देखो कि क्या बुनियाद इसके केस की, क्या प्लेंट इसने फाइल किया, पहले आप देख लो, फिर आप हमारे पास आना डिफेंस के लिए प्रॉपरली मांगने के लिए। हम इस बात पे कोई राय नहीं देना चाहते, वो क्या होती है, बोले वो प्रियम्प्टरी प्लीज होती है। एंड याद रखिए, ऐसा नहीं है कि इतनी सारी डिफेंस है तो आप एक ही डिफेंस ले सकते हैं, नहीं, डिपेंडेंट चाहे तो वो इनमें से सारे डिफेंस ले ले, मतलब वो चाहे तो एक से ज्यादा डिफेंस भी क्या कह रहे हैं ले सकते, एक पॉइंट के लिए एक ली, एक पॉइंट के लिए एक ली, बस लिखने का एक तरीका होता है, क्या कह रहे हैं वो ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले तो बोले क्या करना चाहिए, पैराग्राफ में एक पॉइंट का एक जवाब देना है, ठीक है। बोले सबसे पहले आप कौन सा डिफेंस लेंगे, बोले हम लोग डिनायर जो ट्रावर्स वाला है वो लेंगे, जो हम सीधे मुंह पे सफेद मना करते हैं ना कि हमें नहीं पता, ठीक है, वो सबसे पहले आता है। ट्रावर्स जब भी डिनायल करो स्पेसिफिक करो, इवेसिव नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा ना बोल दो ना, घुमा फिरा के गोल 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 क्यों घूम रहे हो, मना करना है सीधा करो हमेशा लाइफ में, ठीक है। सेकेंड क्या कह रहे हैं, डिलेटरी प्लीज, बोले जो सूट्स और मेरिट्स पे होती है, जो भी हमने कहा था कि जुरिसडिक्शन के बाहर है वो आप आएगा, उसके बाद बोले ऑब्जेक्शन पॉइंट ऑफ लॉ वाली आप लोग आएंगे, अगर अगर आपने यूज किया तो थर्ड नंबर पे वो आती है। फोर्थ आता है बोले स्पेशल डिफेंस, कन्फेशन एंड अवॉइडेंस वाला, एंड इसके बाद में बोले आप लोग क्या करते हैं, बोले आप लोग सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम कर सकते हैं, बोले आप लोग सेट ऑफ जो है डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है, बट अगर बोले ये कंडीशंस पूरी होती है तो ही कर सकता है। बोले पहला क्या, बोले अमाउंट जो सेट ऑफ का मांग रहा है वो असर्टेन हो, मतलब इतने अमाउंट हो, ऐसे नहीं अभी तो पता नहीं है, असर्टेन है, नो 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 नो, ठीक है। सेकेंड क्या कह रही, वो एक्चुअली पैसा डिपेंडेंट को ही लेना था, पता चले उसके भाई को लेना था, अब आपका केस चल रहा है, बोले मेरे भाई को लेना है दिलवा दो, नहीं आपको लेना है कि अपनी बात कीजिए। थर्ड क्या कह रहे, बोले डिफेंडेंट को ही पे करना था, पता चले डिफेंडेंट का भाई है उसको पे करना था, हम बोल रहे तो क्या हो गया, भाई भाई एक ही घर में हमें दिलवाओ, नहीं डिफेंडेंट कौन है अभी कोर्ट की नजरों में, उसको पे करना है क्या, तो बात करो, फालतू बात नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे, अगर बोले आपने जो सेट ऑफ का अमाउंट क्लेम किया है वो कोर्ट का जो प्यूसिनरी लिमिट है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना तो कोर्ट उस केस को ले ही नहीं सकती ना आगे, कोर्ट उसको कंसिडर ही नहीं करेगी, उसका लिमिट में ही नहीं है, उसके लिमिट्स में होना चाहिए, तो आप अपना अमाउंट का सेट ऑफ जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जितना भी एडमिशन डिनाय करते हैं, अगर आपका कोई ऐसा है एडमिशन डिनायर जो कि पूरे प्लेंट के लिए एप्लीकेबल है तो वो आप पहले लिखिए, फिर अगर आपका कुछ ऐसा है जो कि स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए है तो फिर वो बाद में लिखिए पॉइंट वाइज, ठीक है। हेलो, समझ आ रहा है ना, इधर ही हो ना, वेरी गुड। चलिए अब आप किस हेडिंग पे आएंगे, ये आपका होता है किस तरह से क्या करते हैं डिफेंस लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। चलिए अब आगे क्या आ रहा है आपका, ड्राफ्टिंग ऑफ रिप्लाई एंड रिटर्न स्टेटमेंट। देखो सिंपल कोई चीज तब लगती है ना जब हम पढ़ चुके होते हैं,
जब हमें वो चीज आती है, जब तक नहीं आती है ना तो हर चीज टफ ही लगता है। तो हम किसी चीज को टफ बनाए क्यों, हमें करना है क्या है, बस हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे और वो चीज सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो आप पढ़िए प्लीज, पढ़िए द नेक्स्ट। अब आप प्लीज पढ़िए कि नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या है। पढ़ा आपने, नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखा है आपको बताइए। देखिए नेक्स्ट में आपको बताया गया है ड्राफ्टिंग ऑफ रिप्लाई एंड रिटर्न स्टेटमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कंसीडर व्हाइल यू आर ड्राफ्टिंग डिफेंस दैट इन रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी आपको कोई एलिगेशन लगाया गया है प्लेंटिफ ने प्लेंट के अंदर, आपको डिनाय करना है आपने ऐसा नहीं किया तो यह आपका गलती है, कोर्ट मान लेगा कि आपने वो चीज एक्सेप्ट कर दी है। जब आप क्या कह रहे हैं, आप स्पेसिफिक डिनाय नहीं करते हैं तो कोर्ट मान लेता है कि आपने वो एलिगेशन एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जाम्पल समझो, छोटा सा बच्चा है, जब भी बच्चे कोई गलती करते हैं ना आप उनको पूछो, उन्होंने नहीं किया ना एकदम से बोलते हैं मैंने नहीं किया है, बट अगर किया है ना तो वो कुछ कहते ही नहीं है। और जब बच्चे कुछ कहते नहीं है ना तो मान लिया जाता है कि बच्चों ने वो गलती की है। आपसे कुछ पूछा हाँ या ना, अगर आप कुछ नहीं कहते ना तो मान लिया जाता है कि आप हाँ बोल रहे हैं। इन द सेम केस अगर कोर्ट ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है ना बोलने का, अगर आप नहीं बोलते हैं तो बोले मान लिया जाएगा कि आपने वो एलिगेशन जो है वो मान लिए थे। ठीक है, बाद में फिर अपना दिमाग मत लगाना, आपको ऐसे समझ लेना था, अरे कोर्ट को समझेगी, कोर्ट को यही काम बचा है क्या। ठीक है, सेकेंड क्या कह रही है, जब भी बोले डिनायल करो स्पेसिफिक करो, इवेजिव नहीं करना है, छल कपट गोलमाल, ये तो बाहर की दुनिया में इतना चल ही रहा है, कोर्ट के साथ ऐसा करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरत भी नहीं करना। ठीक है, केस जीतना है तो। सेकंड क्या कह रहे हैं, अगर हाँ अगर जैसे कभी क्या होता है आप डिनाइल कर रहे हैं, आप डिनाइल कर दीजिए, सामने वाले पे ओनर्स हैं, सामने वाले पे बर्डन है कि वो प्रूफ करे कि नहीं ऐसी बातें। मम्मी को प्रूफ करना है ना कि मैं टीवी मैं मोबाइल में क्या कर रहा था, मुझे नहीं, मैंने तो सिर्फ मना कर दिया, मेरा काम सिर्फ मना करने का है। ठीक है, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट में जब भी कंप्लीट डिनाय करते हैं आप सिर्फ डिनाय कर दीजिए, आप रीजन में दीजिए। थर्ड क्या कहते हैं, बोले जो भी रिलेवेंट पेपर्स चालान वगैरह जो भी है सारा डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है कि वो जो रिप्लाई जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो क्या कह रहे हैं, वो साइन होना चाहिए, वो पर्सन या तो डिफेंडेंट खुद साइन करे, उसका ऑथराइज पर्सन साइन करे। कंपनी के लिए इसमें क्या है, बोले एक्ट में तो कुछ नहीं कहा है, तो जिसको कंपनी ऑथराइज कर दे सीएस को डायरेक्टर को जिसको भी। इन द सेम केस बोले फॉर्म के केस में पार्टनरशिप एक्ट में तो कुछ नहीं कहा गया है, बट पार्टनर्स जिसको भी ऑथराइज कर दे वो क्या करेगा, साइन करेगा। अगर ऑथोराइज पर्सन लाइक साइन नहीं करता है तो क्या कह रहे हैं, आपका जो वो होता है ना रिटर्न स्टेटमेंट वो कई बार डिसमिस भी कर सकता है कोर्ट। हालांकि क्या होता है, इतनी छोटी बात के लिए और सिर्फ एक चिड़ी पिड़ी बातों के लिए कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल न्याय जो न्याय नहीं देना उसमें डिले करेंगे, कई बार क्या कह रहे हैं उसको रेटिफाई भी कर सकते हैं, रेटिफाई का ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, फिफ्थ के बाद सिक्स पॉइंट है आपका क्या कह रहे हैं। ओके, ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एफिडेविट के साथ में जाएगा, हमें पैसे ही पता है कि एफिडेविट के बिना तो कुछ जाता नहीं है डॉक्यूमेंट कोर्ट में। ठीक है, और एफिडेविट को ऐसे नहीं समझना, ठीक है तो फॉर्मेलिटी है, ऐसी बात नहीं है, एफिडेविट को इससे फॉर्मेलिटी ना समझे, आपने प्रॉपर नहीं दिया तो आपका केस जो है वो डिसमिस भी हो जाता है। ठीक है, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जो होते हैं वो सिर्फ खाली फॉर्मेलिटीज के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर जो है आपको, हाँ एनेक्सस में भी बताना है आपके प्ली रिटर्न स्टेटमेंट में बताना है क्यों बताया जाता है। कई बार मूवीज में देखा होगा वो जब भी वकील मजिस्ट्रेट को कोई पॉइंट बताता है तो कैसे बोलता है, सर आप वो माय लॉर्ड आप इस पेज पे ये वाला पॉइंट देखिए। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए वो इजीली ताकि जज को क्या हो सके, इजीली बता सके, रेफर कर सके। ठीक है, इसीलिए लिखा जाता है। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दैट इज योर नाइन्थ पॉइंट, दैट इज नो प्लीडिंग नो एविडेंसेस। ये कहा गया था मिसेस ओम प्रभा जैन वर्सेस अवनाश चंद जैन, ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि हम तो कहते हैं ना जो बातें प्लीडिंग में नहीं कही है वो फिर कोर्ट में आके नहीं 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 अपनी कहानियां मत लेके आना। इन द सेम वे जब प्लीडिंग में कही नहीं वो बात, तो वो बात वहां क्यों एडजुडिकेट होगी और उस पर क्यों एविडेंसेस देंगे।
ठीक है, सिंपल सी चीज यहाँ क्या लिखा गया है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रिप्लाई में लिखने से छोड़ दिया है तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए वो सुसाइडल है। क्यों? क्योंकि बोले प्लीडिंग में अमेंडमेंट के ऑल्टरेशन के क्या कह रहे हैं, बोले बहुत ही रेयर चांसेस रहते हैं वो अलाउ करे या ना करे। अगर फिर अलाउ नहीं किया और आपको एविडेंस देना है तो इसीलिए सिंपल सी चीज है, कोई बात छोड़ने से अच्छा क्या करना, लिख देना, ठीक है। बट लॉयर को ये पता होना चाहिए कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, क्योंकि पूरी कथा भी तो नहीं लिखनी है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, अगर आपने दोनों में से कोई भी पार्टीज है वो अपोजिट पार्टी पे बोले किस तरह के एलिगेशंस लगाती है, बोले फ्रॉड के, चिटिंग के, अंडू इन्फ्लुएंस के, तो ऐसे बोले जनरल एलिगेशन से काम नहीं चलेगा। ऐसे बोले जब किसी पे एलिगेशन लगाते, इस तरह के आप इल्जाम लगा रहे हो तो बताओ तो कि क्या कारण है, एग्जैक्ट आपको स्पेसिफिक कारण जो है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट आपका हमने कल देखा था कि जो मैटर्स में बोले लॉ प्रिज्यूम कर लेता है कि एक साइड की जो पार्टी है वो ही सही है, उसके फेवर में ही लॉ तो मान के बैठा हुआ है, ठीक है, कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बोले कि उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जो सामने वाला है वो ही बोलेगा, अनलेस कि उसने स्पेसिफिकली लाइक डिनाई किया हो, ठीक है, अदरवाइज तो क्या कह रहे हैं वो ही बोलेगा, आप कुछ मत बोलिए। एंड लास्ट पॉइंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वो क्या है, वो रिलीफ का है, मतलब मांगोगे तो मिलेगा, और मांगते कैसे, बोले प्लीज वर्ड यूज करते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं, ठीक है, वहां हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ जो केस दिया गया आर तिवारी वर्सेस प्रसाद, मंदिर वाला प्रसाद नहीं है ये, ना गुरुद्वारा वाला प्रसाद है, गुरुद्वारा का लंगर खाया है कभी, बहुत ही टेस्टी होता है, मैं तो मतलब मुझे बहुत ही पसंद है, क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आर तिवारी वर्सेस बी प्रसाद, यहाँ ये वाला प्रसाद है, इनके केस में क्या कहा गया था कि रिलीफ इफ नॉट प्रेड फॉर विल नॉट बी अलाउड, मांगी नहीं है तो क्या देंगे, आप तो अपने रिलीफ बता दो ना, जो जो चाहते हो, कोर्ट को जो देना है वो दे देगा, बट अपनी तरफ से बोलो तो, ठीक है। कैसे हम लोग मम्मी को बोलते हैं मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, जो देने लायक है वो दे देते हैं, मनमानी चीज है तो नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ आपके आपका क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट के पॉइंट्स खत्म होते हैं, इसके बाद आपको फॉर्मेट दिया गया हुआ है प्लेंट का एंड रिटर्न स्टेटमेंट का, प्लीज इसे कॉपी में बना के देखिएगा, वरना फिर ऐसे ही ऐसे देखोगे ना तो एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आजकल क्या हो गया, हम लोग जितना कॉपी में नहीं लिखते हैं ये पेन से, उतने क्या होता है हम लोग मोबाइल में लिखते हैं, बट एग्जाम में आपको मोबाइल पे नहीं टाइप करना है, आपको पेन से ही लिखना है, तो कॉपी में लिख के देखिए, अपने दिमाग में यहाँ बैठाइए, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोग की। नेक्स्ट आपको दिया गया इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस, पढ़िए इसके अंदर क्या लिखा है, पढ़ा आपने, आपको समझा इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन समझा ही होगा क्योंकि तो रिवीजन में पढ़ के आए हो, नहीं मुझे बताओ, अब बोलोगे कैसे पता है ना, बहुत अच्छी बात है, मैं ही बता देती हूँ, चलो इंटरलोकेटरी मतलब क्या होता है, बोले जब क्या कह रहे हैं, मीन्स दैट डिसाइड्स मीन्स नॉट, इंटरलोकेटरी मतलब ये होता है सिंपल सी लैंग्वेज में कि जब केस जो है वो डिसाइड नहीं किया गया है कम्प्लीटली, बीच में ही लाइक इंटरवेनिंग मैटर्स, बीच में ही हम लोग कोर्ट को अप्लाई करते हैं कुछ इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स देने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, ठीक है, तो दो पर्सन के बीच प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, जो सेकेंड पर्सन है डिफेंडेंट वो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है ना हमारी, तो प्लेंटिफ क्या बोलेगा कोर्ट को, प्लीज इंजंक्शन का ऑर्डर दे दो कि जब तक केस नहीं आता तब तक तो ये चैन पकड़े शांति पकड़े, मेरी प्रॉपर्टी को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ऐसे में जब उसने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन वर्ड क्या मतलब, अप्लाई किया, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कोर्ट को, तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं माय लॉर्ड, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा है कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है, कोर्ट को अगर लगता है तो कोर्ट फिर क्या करेंगे, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स देंगे जो भी उन्हें सही लगते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर के लिए जब इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आप लगाते हैं तो क्या होता है ना, ऐसे में क्या होता है कोर्ट का एक प्रोसीडिंग जो है वो बढ़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, जो कि बोले आपने एप्लीकेशन लगाया इसीलिए हमें करना पड़ रहा है, वरना तो हम नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट का केस दिया गया हुआ है, राष्ट्रपति इस्पात निगम लिमिटेड वर्सेस वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसके केस में बोले डिफरेंस बताया गया था इंसिडेंटल एंड सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर। इंसिडेंटल मतलब बोले कि आप नहीं भी बोलते ना तो वो जो की प्रोसीडिंग होती बोले वो केस से ही अराइज होती है, हम उसे करते ही सही, ठीक है, आप नहीं बोलते तो भी, बट चूंकि आपने एप्लीकेशन लगाई इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स के लिए तो ये जो है हमारा एक्स्ट्रा प्रोसीडिंग हो गया, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ओके।
नेक्स्ट ओरिजिनल पिटीशन बताओ क्या है, एक्चुअली खुद ही डिसाइड करो ना, मैं बैठी हूँ तो कुछ तो बोलो। नहीं मैं ही बोलती हूँ, आप लोग तो प्रवचन सुन रहे हैं। देखिए ओरिजिनल पिटीशन मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ होता ही नहीं है, ऐसा है तो यहाँ क्यों दिया आप ऐसे बोलोगे ना। हाँ बट यहाँ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जनरल पैरेलल्स में ओरिजिनल पिटीशन मतलब क्या होता है, बोले जहाँ पर केस पहली बार फाइल करते हैं उसको ओरिजिनल पिटीशन कह देते हैं। मतलब हमारा केस जहाँ भी पहली बार फाइल किया ओरिजिनल पिटीशन हो गया, जैसे सिविल कोर्ट में किया तो बोले वो ओरिजिनल पिटीशन का हो गया। फिर बोले अगर आपने अपील की है लाइक हायर कोर्ट में तो वो अपील जुरिस्डिक्शन हो गया, वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं हुआ। ठीक है तो जहाँ पहली बार केस फाइल करेंगे उसे क्या कहते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए आप, तो मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड वन मिनट। ये हुआ ओरिजिनल पिटीशन, ठीक है नेक्स्ट हेडिंग पे आई है क्या है बताइए, दैट इज एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन ही मतलब अप्लाई किया है, रिक्वेस्ट किया है। ठीक है बोले किस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया, बोले कुछ तो एग्जीक्यूट कराने के लिए रिक्वेस्ट किया है। बोले डिग्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, डिग्री मतलब गर्ल लड़की को, पता है कई जगह पे डिग्री जो होती है मतलब गर्ल्स को डिग्री भी बोलते हैं, तो वो डिग्री होता है एक्चुअली एंड दिस इज डिग्री। ठीक है तो बोले वो जो डिग्री होती है कोर्ट की डिग्री होती है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या कहा गया, बोले हम लोग अप्लाई करते हैं। कौन अप्लाई करते हैं, बोले डिग्री होल्डर करता है, मतलब जिसके फेवर में डिग्री आई हुई होती है, डिसीजन आया होता है। ठीक है देखिए क्या कह रहे हैं, जो भी डिग्री होल्डर होता है तो बोले जिस कोर्ट ने वो डिग्री जो है वो पास की है उसको डिग्री होल्डर कई बार अप्लाई करता है कि आपने जो डिग्री पास की है प्लीज आप उसे एग्जीक्यूट करवाइए, मतलब आपने जो कहा है उसे करवाइए। ठीक है ये दो तरह से बोले अप्लाई कर सकते हैं, या तो ओरल कर सकते हैं या तो राइटिंग में कर सकते हैं। तो बोले ओरल कब कर सकते हैं, बोले जब जैसे बोले केस चल ही रहा था और खत्म हुआ वैसे बोले डिग्री होल्डर होल्डर ने क्या किया, बोले जज को बोला प्लीज ये डिग्री को आप एग्जीक्यूट करवा दो अभी। तो अगर बोले जजमेंट डेटर वही कोर्ट के प्रीसीडेंस में था, मतलब कोर्ट के एरिया में था, तो तभी की तभी क्या कह रहे विदाउट मतलब वारंट देने के पहले उससे क्या कर लिया जाएगा, वो डिग्री जो है वो क्या कह रहे हैं वो एग्जीक्यूट करा ली जाएगी। ये तो तब बात हुई जब वो वही था कोर्ट प्रिसिंक्स में, आपने तभी अप्लाई कर दिया। बट अगर आप तब नहीं करते हैं तो फिर क्या कह रहे हैं, अगर बाद में आप राइटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है बोले राइटिंग में जब आप करते हैं तो आप पॉइंट्स लिखेंगे कि अभी मैं बताती हूँ वो, तो आप लोग क्या करें राइटिंग में अप्लाई कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है एंड बोले वो जो पॉइंट आपका जो होता है एप्लीकेशन उसको वेरीफाई करेगा या तो वो पर्सन या फिर जिसको भी डिग्री होल्डर करेगा, फिर जिसको भी फैक्ट्स मालूम थे उस केस के रिलेटेड वो करेगा। अब बोले क्या कह रहे हैं, बोले आपको एप्लीकेशन के अंदर क्या बताना पड़ेगा, बोले आपको ये बातें बतानी पड़ती है टैबुलर फॉर्म में। बोले पहला आपको क्या बताना पड़ता है, बोले नंबर ऑफ द सूट, केस का नंबर क्या है। सेकेंड आप क्या बताएंगे, बोले पार्टी का नाम क्या है। ठीक है थर्ड आप बताएंगे कि डेट ऑफ द डिग्री, किस दिन बोले डिग्री पास की गई थी, बोले कोई अपील फाइल की गई थी क्या उस डिग्री के अगेंस्ट। आपका हो गया कि हम तो एग्जीक्यूट कराने आए ना तो हम क्यों अपील करेंगे, अरे आप नहीं अपील करोगे बट सामने वाला तो कर सकता है ना। फिर ठीक है नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, बोले क्या कोई पेमेंट, बोले डिग्री आने के बाद में कोई सब्सिक्वेंट पेमेंट का एडजस्टमेंट हुआ क्या, बोले पार्टीज के बीच में, हुआ है तो बता दो नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बोले क्या ऐसी ही कोई एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के लिए पहले भी फाइल की गई थी इसी डिग्री के लिए, तो अगर की गई थी तो बताओ कब की गई थी एंड बोले उसका डिसीजन क्या आया था वो भी बता दो। ठीक है देन क्या कह रहे हैं आपको, लास्ट में ये कहा गया है किस पर्सन के अगेंस्ट आपको डिग्री एग्जीक्यूट कराना है ये बताइए, और आपको कोर्ट से क्या रिलीफ चाहिए आप ये बताइए। मतलब हम रिसीवर अपॉइंट कर दे, आपको मनी डैमेजेस का हमने बोला था वो कर दे, किसी पर्सन को अरेस्ट करना है वो कर दे, तो क्या रिलीफ चाहिए ये बताइए। ठीक है एप्लीकेंट को क्या करना पड़ता है, डिग्री का एक कॉपी भी साथ में देना पड़ता है इस एप्लीकेशन के साथ में, एंड हर स्टेट ने क्या कर रखा है इसके लिए अलग अलग अपने रूल्स बना रखे हैं, तो उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। ये काम तो आपकी प्लेडर का होगा या कोई भी लॉयर का होगा। ठीक है समझ में आया ना, ओके तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। आपको इंजंक्शन के बारे में बताया गया है,
इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन है। और बताइए इंजेक्शन मतलब क्या होता है? इंजेक्शन मतलब होता है रेस्ट्रिक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग विच ही ऑट नॉट टू डू। किसी पर्सन को ऐसा कुछ काम करने से रोकना जो उसे करना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, कोर्ट से उसको करने से रोक रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इंजेक्शन मतलब क्या होता है? उस पर्सन को रोकना। अब क्या कह रहे हैं, कोर्ट इंजेक्ट करेगी उस पर्सन को गलत काम करने से या तो रोकने के लिए। जैसे क्या कह रहे हैं, उसने गलत काम अभी स्टार्ट नहीं किया है तो कोर्ट रोकेगी कि गलत काम करना भी मत, या तो उसने गलत काम स्टार्ट कर लिया है तो कोर्ट उसे रोकेगी कि इस काम को कंटिन्यू तो मत करो ना, गलती कर ली है पर जरूर थोड़ी ना उसको कंटिन्यू ही करते रहोगे, रुक जाओ। ठीक है, इंजेक्शन बोले दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है टेम्प्रेरी, एक होता है परमानेंट। टेम्प्रेरी मतलब क्या? टेम्प्रेरी डिबार अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल प्रॉपर्टी का केस चल रहा था दो पर्सन के बीच में, ये पर्सन ने केस फाइल किया, ये लेजी है, इसको लीज पे प्रॉपर्टी दी थी, प्रॉपर्टी खाली ही नहीं कर रहा, केस चल रहा है। अब चूंकि केस चल रहा है तो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, बोले वहां के पेड़ काट रहा है, लकड़ियां बेच रहा है पेड़ काट काट के। तो प्लेंटिफ क्या बोलेगा, बोले प्लीज आप इसको बोलो कि अभी इंजेक्शन लगा दो कि जब तक केस नहीं आता है प्लीज तब तक रुक जाए, ऐसा कुछ नहीं करे जब तक डिसीजन नहीं आता है। सो दिस इज वॉट, जो कि एक लाइक पर्टिकुलर पर्याप्त स्पेसिफाइड समय के लिए है, दैट इज टेम्प्रेरी। परमानेंट मतलब क्या? परमानेंट डिबारिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, कोई नहीं बचा है, करोड़ों की ज्यादा छोड़ गया है पीछे। तो कोर्ट अगर किसी को गार्जियन अपॉइंट करता है तो कोर्ट उनको डिबार कर देगा कि इसके माता पिता की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इसके नाम पे है, आप उसे कभी नहीं बेचेंगे। ठीक है, आपका उस पर कोई हक नहीं है, वो बच्चे की ही रहेगी हमेशा। दैट इज वॉट, दैट इज परमानेंट डिबारिंग, दैट इज परमानेंट इंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखिए या तो सिंपल सी चीज है, मतलब कोर्ट आपको कुछ करने को बोलता है, प्रिवेंट, ठीक है, कुछ करने को बोलता है, कंपेल कर रहा है आपको, ऑर्डर दे रहा है कुछ करने के लिए कि ऐसा करो, या तो क्या कह रहे हैं, कोर्ट आपको प्रिवेंट करता है कुछ करने के लिए। ठीक है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही क्या कह रहे हैं, इंजंक्शन के लिए फाइल कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि प्लेंटिफ ही करेगा, जिसको भाई प्रॉब्लम लग रही है वो कर दे। ठीक है, चलिए ये टॉपिक आपका हुआ, नेक्स्ट हम लोग रिवाइज करते हैं क्या। इट इज एक्चुअली स्पेसिफिकली फॉर ओल्ड सिलेबस, तो आप लोग अपना मॉड्यूल खोल के बैठिएगा अगर आप पीडीएफ में से पढ़ रहे तो। ठीक है, देखिए दिस इज अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये क्या होता है, कोर्ट के पास आप जाते हैं ना, जब कोई पर्सन कोर्ट के दुखी है तो कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट के पास क्यों जाता है कि कोर्ट उसे क्या करेगा, रिलीफ देगा। ठीक है, कोर्ट जो रिलीफ है बोले वो दो तरह की रिलीफ देता है, एक देता है आपको कंपेंसेशन रिलीफ, कंपेंसेटरी रिलीफ, एंड सेकेंड आपको दी जाती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, कंपेंसेटरी कब होती है, बोले जब पैसा से रिलेटेड बात होती है, कोई डैमेज हुआ तो पैसा दिलवा दिया। ठीक है, कुछ मतलब जो ऐसी एलिगेशन है, जो ऐसे केसेस है जब पैसे से मामला सेट ऑफ हो सकता है, उस रिलीफ को माना भी जाएगा कि एक्चुअली वो रिलीफ है, मतलब हमारे साथ कोई न्याय हुआ है, आप पैसे से सेट ऑफ कर दो। बट हर जगह पैसा काम नहीं आता है, बोले कई जगह दूसरा रिलीफ भी देना पड़ता है। तो क्या कह रहे, जब पैसा काम नहीं आया फिर वहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ दिया जाता है, एंड आपको पता है स्पेसिफिक रिलीफ जो है इट इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी जो की दी जाती है। पर्सन जो चाहता था, जो एक्चुअली में होना था वो नहीं हुआ, इसीलिए वो कोर्ट आया, आप उसको वही रिलीफ दे देंगे तो उसे तो अच्छा ही लगेगा ना, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो सिंपली एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दो पर्संस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राजू एंड बबलू के बीच में। राजू ने कहा मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे तू तेरा बंगला दे देना। ठीक है, बबलू बाद में नहीं दे रहा है, तो राजू क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, बोले इसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का, प्लीज अब आप इसे बोलो कि ये मुझे दे, क्योंकि मैं तो भरोसे में था मुझे अपना बंगला देगा, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी प्रॉपर है। तो कोर्ट बबलू से वो काम करवाएगा, कोर्ट उसे बोलेगा जब तूने बोला था कॉन्ट्रैक्ट किया था, तूने एग्री किया था तो पलट मत, ठीक है, अब तू अपना बंगला दे। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट उस पर्सन से वो काम करवाता है जो उसे वैसे ही कर लेना था कोर्ट के बिना इंटरफेयर करे, पर चूंकि उसने नहीं किया ना, इसीलिए कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रेमेडी में कोर्ट वो काम करवाती है व्यक्ति से जो उसे वैसे ही कर लेना था, पर चूंकि उसने नहीं किया है इसलिए कोर्ट को इंटरफेयर करके करवाना पड़ रहा है। ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक रेमेडी। नेक्स्ट हेडिंग पे आइए, बताइए क्या है।
बता दीजिए। इट्स कंप्लेंट, कंप्लेंट जो हम दिन भर करते ही रहते हैं, कभी इसकी कभी उसकी और कभी कभी खुद की। बट आप सोचिए शिकायत करने से होगा क्या, कुछ होता नहीं है। एक्चुअली एंड में सॉल्यूशन तो हमें ही ढूंढना पड़ता है। कितना भी आप कंप्लेंट कीजिए, इसका कंप्लेंट हम क्यों दुनिया बदलने चले हैं, हम खुद को चेंज करें ना उतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये कंप्लेन वम्प्लेन करके क्या करना है बताओ। चलिए स्टार्ट करें कंप्लेंट को। कंप्लेंट कहाँ दिया गया है? सिविल प्रोसीजर कोड में? नहीं, तो फिर बताओ कहाँ दिया गया है? क्रिमिनल में दिया गया है। अच्छा, कौन सा सेक्शन के अंदर दिया गया है, जल्दी से बोलो। सेक्शन 2D के अंदर। अच्छा, क्रिमिनल का पूरा वो क्या है, एक्ट का नाम CRPC 1973। मैं आपको यहाँ एक बात बताती हूँ कि जब आपको ट्रिक्स जो आपको याद करने के लिए चाहिए, एक बता रही हूँ मैं आपको। जैसे अभी हमने देखा हमको कितने सारे केस लॉस आ गए, अभी तक सेक्शंस भी आ रहे हैं। देखिए जो मैटर, जैसे अभी हमने आपको स्पेसिफिक इंजंक्शन वाला समझाया, परमानेंट इंजंक्शन समझाया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, लॉजिक क्लियर है, तो आप अपने मन से लिख लोगे। बट जो चीज याद करने की है वो तो याद ही करनी है ना। अभी सेक्शन नंबर है, केस लॉस है, वो तो याद ही करने पड़ेंगे, जैसे प्रसाद वाला है कि नहीं। तो क्या करना चाहिए ना, या तो एकदम हमारे इमेजिनेशन पावर तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऐसी कुछ ऊटपटांग कहानियां बनाओ जिससे वो याद रहे। सेकेंड, आप ये भी कर सकते हो, मैंने माना हर कोई लाइक अरिजीत तो नहीं है, तो हमारा उतना अच्छा आवाज तो नहीं है, बट क्या करो ना, जो भी याद करने वाली जो चीजें हैं उनको एक दिन लाइक ऐसे बैठ के एक चैप्टर वाइज थोड़ा सा मोबाइल में क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग 24 घंटे पढ़ते हो, बिल्कुल भी नहीं, पढ़ना भी नहीं है, दिमाग ही घूम जाएगा 24 घंटे पढ़ोगे तो। ठीक है, तो जब आप एकदम बोर हो जाते हो पढ़ने से, जब आप गाना सुनते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तब आप क्या करो, आई नो थोड़ा सा अटपट है बट करना ना। क्या करना कि गाना सुनने की बजाय अपनी आवाज में वो जो सेक्शंस केस लॉस आपने रिकॉर्ड किया ना, उसको सुनना। क्योंकि क्या होगा ना, जो हम सुना जाता है ना वो बहुत जल्दी हमें याद होता है एज कम्पेयर टू लाइक पढ़ने से। तो पढ़ने वाले कंसेप्ट तो हम समझ रहे हैं, हम अपने मन से लिख सकते हैं, बट जो याद करना है उसको इन तरह से कुछ ऐसी ट्रिक्स निकाल के याद क्या करो, आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, एक बार अपना के देखिएगा ये तरीका। चलिए अब नाउ विदाउट एनी फर्दर एडो मैं लेट्स स्टार्ट करती हूँ आपका कंप्लेंट। मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कंप्लेंट के। पहला क्या बोले, कंप्लेंट जो है वो बोले या तो ओरल में होती है या तो रिटर्न में होती है, दोनों में ही हो जाती है, जरूरी नहीं है रिटर्न में हो। सेकेंड चीज कह रहे हैं वो मजिस्ट्रेट को ही होती है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को ही की जाती है। थर्ड बोले क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई एक्शन लिया जाए, हम कंप्लेंट कर क्यों रहे हैं, हम मम्मी के पास जाते हैं ना शिकायत करके। वैसे अगर बड़े भैया की कंप्लेंट करने गए हैं, उन्होंने हमारी कर रहे, तो हमारा मेन पर्पस यही रहता है कि प्लीज इनके खिलाफ कोई एक्शन लो। ठीक है, अगर उनको नहीं मम्मी ने डांटा तो फिर क्या हम नाराज हो जाते हैं कि लो डांटा ही नहीं तो फिर कंप्लेंट करने का क्या मतलब रहा। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद क्या है कि आप प्लीज कोई एक्शन लीजिए। ठीक है, थर्ड क्या कह रहे बोले, क्योंकि कोई पर्सन है या तो नोन या तो अननोन, मतलब हम या तो उसे जानते हैं या तो बोले हम उसे नहीं जानते हैं, बोले उसने बोले कोई कमिट किया है क्राइम, उसने क्या किया है बोले कोई कमिट किया है क्राइम, तो ठीक है बोले इसीलिए क्या की जाती है, कंप्लेंट की जाती है। सिंपल सी चीज है, बोले कोई भी एलिगेशन जो ओरल में या राइटिंग में बोले जो मजिस्ट्रेट को की जाएगी, बोले क्यों, क्योंकि बोले कोई तो पर्सन है नोन या फिर अननोन, उसने बोले कोई कमिट किया है क्राइम, और बोले इसमें बट बोले इंक्लूड नहीं की जाता है बोले क्या, बोले पब्लिक रिपोर्ट, बोले क्यों, बोले FIR जो होती है वो तो रिटर्न में ही होती है, वो ओरल होती नहीं है, और आपने कहा कि कंप्लेंट जो है वो तो रिटर्न में भी ओरल भी हो सकती है, इसलिए इसमें FIR जो इंक्लूड नहीं होता है, ये होता है सेक्शन 2D। मतलब चार मेन चीज है, पहला क्या बोले रिटर्न या ओरल एलिगेशन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या कह रही बोले नोन या अननोन पर्सन ने किया है, हम या तो उसे जानते या तो नहीं जानते, बोले हम आपको कंप्लेंट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको एक्शन लीजिए, यही हमारा ऑब्जेक्ट है आपको कंप्लेंट करने का। ठीक है, और किसको की जाएगी, बोले मजिस्ट्रेट को की जाएगी, हाई कमांड को। ठीक है, तो ये चार चीजें होना चाहिए। कंप्लेंट के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोफॉर्मा नहीं बताया गया है कि इस तरह से कंप्लेंट कीजिए, आप सिर्फ क्या कीजिए, लेटर लिख दीजिए मजिस्ट्रेट को, उसमें एड्रेस आपने क्या है मजिस्ट्रेट को, आपकी जो भी कंप्लेंट है वो बता दीजिए, एंड बोले क्या कह रहे हैं अपने रिलीफ बता दीजिए कि आप चाहते हैं क्या है, फिर आपने कहा ना आपको चाहिए कि एक्शन हुआ जाए, तो बता दीजिए कि क्या एक्शन लिया जाए। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि भैया को मम्मी दो लप्पड़ मारे, है ना, तो बता दो कि इनको दो लप्पड़ मारो, तभी हमें लाइक
हमें शांति मिलेगी। तो आप बता दो आप क्या एक्शन लेना चाहते हैं। एंड मोस्टली कंप्लेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हो जाती है, बट वो मैरिज एंड डिफेमेशन के केस में नहीं होती है। अब मैंने क्या कहा कि पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट अगर कभी ऐसा होता है, सपोज करो कि पुलिस ऑफिसर के पास में कोई केस है, जब वो उसे इन्वेस्टिगेट करता है अपनी रिपोर्ट को, तो उसे बाद में पता चलता है कि ये जो एक्चुअली केस है ये क्या है, बोले नॉन कॉग्निजिबल है, मतलब बेलेबल है, क्या कह रहे हैं, जिसके अगेंस्ट बेल मिल जाती है, तो बोले उन केसेस को भी कंप्लेंट मान लिया जाता है और उन केसेस में पुलिस ऑफिसर जो है उसे कंप्लेनेंट कहा जाएगा। ठीक है, एम आई क्लियर? वेरी गुड। ये होता है अब आपका कंप्लेंट। नेक्स्ट हेडिंग पे आइए, दैट इज बेल। बेल मंदिर वाली बेल नहीं है, रिंग वाली बेल नहीं है, फोन की बेल नहीं है, और जो गाय ढोर बेल होता है वो भी बेल नहीं है, इट्स अ बेल। एंड इसमें क्या कहा गया है, आपने मूवीज में देखा ही होगा, जब भी जो भी अक्यूज्ड है गुंडा है वो गुनाह करता है, उसको बेल पे छुड़वा लिया जाता है। कैसे छुड़वा लिया जाता है, बेल मतलब क्या होता है, बोले सिंपली कह रहे हैं, बोले रिलीज ऑफ अ अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब जिसने, हमने मान लिया है कि वो अक्यूज्ड है, ये तो कहा ही जा रहा है कि वो अक्यूज है। रिलीज ऑफ अक्यूज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ ऑफिसर्स, बोले ऑफिसर्स की कस्टडी से, पुलिस वालों की कस्टडी से लेकर उसे क्या कर रहे हैं, बोले किसी प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में क्या कर रहे हैं, सुप्रित कर रहे हैं, एंट्रस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोले वो प्राइवेट पर्सन जो है वो उसकी श्योरिटी गारंटी ले रहा है कि जब भी आप इसको बोलोगे ना कि इसको इंटरोगेट करना रहेगा आपको, जो भी आपको पूछना रहेगा जिस भी स्पेसिफिक डेट वगैरह पे, मैं इसको आपको हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, बेल मतलब रिलीज ऑफ अक्यूज फ्रॉम कस्टडी ऑफ ऑफिसर एंड इंटरेस्टिंग हिम और हर टू अ प्राइवेट कस्टडी हु आर श्योरिटीज, जो कि क्या श्योरिटी देता है, दैट वी विल प्रोड्यूस दैट पर्सन दैट अक्यूज एज एंड व्हेन यू विल नीड हिम और हर फॉर इंटरोगेशन ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। फाइन, अब आपको यहाँ बेल के बारे में तो बताया ही गया, आपको यहाँ एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बताया गया है। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, बोले ऐसे केसेस ना जहां पर क्या कहा गया, बोले एक ऐसा ऑफेंस किसी व्यक्ति से हुआ है जो कि नॉन बेलेबल है, उस पर बेल नहीं मिलती है। अब वो पर्सन ने क्या किया, उससे वो क्राइम जो है वो कमिट हुआ, तो बोले मेरे को तो वैसे भी अगर उसको पता है कि मेरे से ये जो क्राइम हुआ है इस पर बेल नहीं मिलती है, तो खुद जाके अगर वो अपना गुनाह कबूल कर ले, अभी तक उसको पुलिस ने तो नहीं पकड़ा, उसको किसी ऑफिसर ने नहीं पकड़ा, बट वो अगर खुद से क्या कह रहे हैं, जाके अपना गुनाह जो है वो कबूल कर ले कि हाँ मेरे से ही क्या कह रहे हैं, ये गलती हो गई है, आप मुझे एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दो, तो क्या किया जा रहा है, उसे एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं। ठीक है, पहले से ही उसने खुद जाके बताया उसको पुलिस ने नहीं पकड़ा था। हालांकि आपका ये जो केस है स्टेट ऑफ असम वर्सेस आर के कृष्णा कुमार, इसके केस में कहा गया था कि ऐसे ही नहीं उसे एंटिसिपेटरी बेल दे देंगे, एक बार सामने वाली पार्टी जो है जिसके अगेंस्ट उसने कुछ किया होगा गलत, उसको जरूर सुना जाता है। देखो अपॉर्चुनिटी सबको एक बार बोलने का दिया ही जाता है, दिया ही जाना चाहिए। ठीक है, तो दिया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कौन पर्सन ऐसा मतलब पागल हो गया जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा और पुलिस को जाके बोलेगा कि लो मैंने गुनाह किया, मुझे पकड़ लो और बेल दे दो, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। बट एक्चुअली बात क्या, ऐसे नॉर्मल पैरलेंस में नहीं होता, बट यहाँ क्या है ना, एक्चुअली उसने ऐसा क्राइम किया जो वैसे तो अवेलेबल है ही नहीं। अगर उसने अभी अपना गुनाह जाके कबूल नहीं किया, बाद में उसको पुलिस ने पकड़ा, तो फिर वो बेल नहीं देंगे क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। तेको बेल चाहिए ना, तो खुद आके बता दे, हम तेको बेल दे देंगे। ठीक है, यही इसका मेन रीजन है। समझ में आया आपको? आप आज आपका आज का लास्ट टॉपिक आता है, एंड दैट इज एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए, एफआईआर जो है वो आपके सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है। ठीक है, आप अपने स्टार्टिंग में ही मॉड्यूल में देखेंगे जो एफआईआर का आपका स्टार्टिंग में ही क्या दिया गया है, बोले ये कॉग्निजिबल ऑफेंस में डील करता है, कॉग्निजिबल केसेस। ठीक है, मतलब नॉन बेलेबल स्टार्टिंग में ही कह दिया, क्यों, क्योंकि वैसे भी कॉग्निजिबल, अगर नॉन कॉग्निजिबल होता, बेलेबल होता, तो वो तो आपका कहाँ आ रहा है, कंप्लेंट में आ ही रहा है ना। अभी हमने कहा था कि पुलिस ऑफिसर को पता चला, बोले कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है, तभी तो एफआईआर में आया है। ठीक है, क्या कहते हैं 154 में एफआईआर क्या होता है, चलिए हम जल्दी से लेते हैं। बोले जब भी बोले कोई नॉन कॉग्निजिबल, कॉग्निजिबल कोई भी बोले कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, क्या कह रहे हैं, जब भी क्या कह रहे हैं, कोई कॉग्निजिबल क्या होता है, ऑफेंस होता है। ठीक है,
तो बोले कोई भी पर्सन जो है वो बोले कहाँ जाएगा, वो पुलिस स्टेशन जाएगा, वो पुलिस वाले को बताएगा उस बारे में, वो कंप्लेन करना चाहता है, वो मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। बोले अगर उसने ओरल में पुलिस वाले को बताया तो पुलिस वाले का क्या ड्यूटी बनता है, वो जो पर्सन ने इन्फॉर्मेशन ने उससे बताया है वो उसे लिखेगा या फिर किसी और से लिखवाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर पर्सन ने इन्फॉर्मेशन में राइटिंग में ही दिया है तो फिर ठीक है, कुछ लिखना नहीं है। तो बोले वो राइटिंग में दे या ओरल में दे इन्फॉर्मेंट, फिर पुलिस वाले का ड्यूटी बनता है कि वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेंट को वो पूरी जो रिपोर्ट है वो पढ़ के सुनाएगा, आखिरी में उससे बोलेगा तो अपने दस्तखत कर दे इसके ऊपर, साइन ले लेगा। उसके बाद में पुलिस वाले ऐसे क्यों करवाते हैं, ताकि बाद में ऐसा नहीं हो कि मैंने तो ये बोला था आपने ये लिख दिया, ठीक है। इसलिए कंफर्म कराने के लिए उसको पढ़ाया जाता है, फिर उसे साइन किया जाता है। सेकेंड चीज, पुलिस वाले का ये ड्यूटी बनता है, उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक बुक दी जाती है जिसमें उनको FIR जो है उसका सब्सटेंस, उसका मैटर जो है वो लिखना पड़ता है, ये उनका ड्यूटी है लिखना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज FIR, व्हाट कि अगर कभी भी क्या होता है, पहले कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है तो जो पर्सन इन्फॉर्मेंट पुलिस वाले किया जाता है वो ओरल में बताएगा तो पुलिस वाले का उसको रिड्यूस करेगा इन राइटिंग में या किसी से करवाएगा, या फिर अगर उसने रिटर्न में दिया है तो दोनों ही केसेस में वो इन्फॉर्मेंट को वो इन्फॉर्मेशन वापस से पढ़ा जाता है, उसको सिग्नेचर लिया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में बोले क्या होता है, वो उस जो भी मैटर है आपके रिपोर्ट का, एक जो बुक दी गई है उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन केसेस के लिए उसके अंदर वो क्या करेगा, एंटर करेगा। अब ये तो बात तब है ना जब पुलिस वाला FIR लिख ले। हमारे देश में आधे से ज्यादा बार FIR नहीं लिखी जाती है, मोस्ट हीनियस क्राइम में भी हमारे FIR लिखने से मना कर देते हैं, इसलिए जो आधे केसेस है वो छुप ही जाते हैं, वो पता ही नहीं चलता है कितने नंबर ऑफ केसेस हैं। यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ रेप एज वेल। सो ऐसे केस में क्या होता है ना कि अगर पर्सन क्या कह रहा है, अगर पुलिस वाला जो है वो आपका FIR नहीं लिख रहा है, आप एग्रीव्ड है, तो डायरेक्टली पर्सन वो क्या कर सकते हैं, वो लोग राइटिंग में किसको लिख सकते हैं, बोले वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को राइटिंग में अपना जो भी मैटर है वो लिख के भेज सकते हैं। सुपरिटेंडेंट SP को अगर लगता है, क्योंकि आपका कंसर्न SP की हाँ ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तो वो क्या करेगा, वो या तो खुद या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट को बोलेगा वो केस को क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन रहता है आपके पास में। देन क्या कह रहे हैं, अगर SP खुद वो केस इन्वेस्टिगेट करता है या किसी और अपने सबऑर्डिनेट से करवाता है तो उनको सेम वो पावर रहेंगे जो कि उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर पे थे जिसको एक्चुअली लिखना था बट उसने नहीं लिखी ना, ठीक है, तो उनको सेम वो पावर रहेंगे इन्वेस्टिगेशन के। अब देखिए हमने क्या कहा, पुलिस वाले को लिखना थी, उसने नहीं लिखी। एक्चुअली ये जो केस है लल्लन चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें साफ कहा गया था कि सेक्शन 154 में इट इज मैंडेटरी फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू राइट द रिपोर्ट। यू कांट से नो, ठीक है, आपको रिपोर्ट लिखना मैंडेटरी है, आप मना नहीं करोगे, ठीक है। मैटर कॉग्निजिबल नहीं है, बाद में देखना, आप कह रहे हो, आप बाद में भाईना दे रहे हो पुलिस वाला कि वो तो जेन्युइन नहीं था, उसका क्रेडिटिबिलिटी नहीं था, ये बाद में देखा जाएगा, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो रिपोर्ट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 फॉर द पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है। यहाँ आके आपका क्या होता है, ये चैप्टर भी खत्म होता है, ये टॉपिक भी खत्म होता है। अब आप मुझे कहेंगे कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि अपील का, वो तो मैंने लिया ही नहीं, वो तो मैंने छोड़ दिया है ना, बट ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या, आई गॉट अ फ्यू मैसेजेस फ्रॉम सम ऑफ द लाइक स्टूडेंट्स एंड अदर्स एज वेल दैट पीपल आर हैविंग कंफ्यूजन बिटवीन SLP एंड अपील। आई मीन ओके, बट देन इट्स फाइन। सो व्हाट आई थिंक दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो स्पेसिफिकली फॉर वन फॉर अपील एंड वन फॉर SLP। तो अपील जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, बट जो अपील का आपका जो वीडियो रहेगा मैं अभी एक दो दिन में डाल दूंगी, तो आप वो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ के आपका जो प्लीडिंग्स है ये खत्म हो जाता है, इसका रिविजन खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब आपने रिविजन कर लिया है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं था, पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया था, तो अब आप प्लीज जाके क्या कीजिए, इसका सेल्फ स्टडी करिए, इसको डिटेल में पढ़िए, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। हम लोग और चैप्टर्स रिवाइज करेंगे ड्राफ्टिंग के, जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स है वो भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड या आई बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।